हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। फ्रेंड, आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फाइंड चेयर हाइट इन स्लैब। स्लैब का थिकनेस है 300 mm यानी 30 सेंटी। क्लियर कवर है 30 mm यानी 3 सेंटी। नया अखबार सिक्सटीन एम एम टॉप बॉटम। स्लैब थिकनेस 300 mm। ये बार T1 ये बार T2 इसका चेयर का हाइट निकालना है फ्रेंड। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हाइट क्या होगा इसके अंदर, इसके बारे में सारी डिटेल देंगे हम। प्लीज़ वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, इसमें जो भी डिटेल होगा, जो भी जानकारी होगी, सब कुछ मिल जाएगी। चेयर हाइट
स्लैब थिकनेस क्लियर कवर B1, B2, T1, T2. Dia of bar. इसमें एडिशनल नहीं है, B1 16 mm, B2 16 mm, T1 16 mm, T2 16 mm. इसका चेयर कितना है, इसका हाइट होगा, इसके बारे में डिटेल बता रहे हैं। थर्टी आपका स्लैब का थिकनेस है, इसमें से 3+3 सेंटीमीटर निकल जाएगा 30 से, तो बैलेंस 26। बाद में 16+16 32, 32+32 64 mm, तो 6 cm 4 mm निकल गया, तो बच गया कितना, 17.6। इसका हाइट होता है सर, तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे चेयर हाइट वन 17.6 mm। जैसे और एग्जांपल देख दे देते हैं, ये चेयर हो गया, तो फ्रेंड इसका हाइट 17.6 mm, 17.6 mm इसका चेयर का हाइट हुआ। तो फिर फ्रेंड जो भी डाया होगा, क्लियर कवर होगा, उसको माइनस करेंगे, उसके सेंटर की दूरी क्या है, यहाँ से ये सेंटर से ये सेंटर तक, इसी को हाइट बोलते हैं। बाद में ये सपोर्ट के लिए चेयर लगाया जाता है। आप कंस्ट्रक्शन लाइन से काम करते हैं
तो जानते ही होंगे कि चेयर क्या होता है, मेन बार क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है, साइड बार क्या होता है, एल बार क्या होता है। आप चैनल पर आइए, देखिए जो भी वीडियो बने हैं इस चैनल पर कंस्ट्रक्शन लाइन से बने हुए हैं, बिल्डिंग लाइन से बने हुए हैं, सिविल लाइन से बने हुए हैं। एक बात और बताएंगे कि ये थिकनेस का स्लैब हर जगह नहीं बनता है, ये भी एक नोट कर देते हैं। बेसमेंट वन, बेसमेंट टू एंड ग्राउंड फ्लोर, इसका रीजन बता देते हैं फ्रेंड कि इसका रीजन क्या है, क्यों इतना थिकनेस में बनता है। बेसमेंट में पार्किंग होता है, पार्किंग के लिए गाड़ी जो भी आता है जाता है उस पर लोड होता है, इसलिए बेसमेंट टू में यही प्रोसेस है, ग्राउंड पर भी यही प्रोसेस है। उसके ऊपर जो भी स्लैब बनता है उसका थिकनेस 20 से 25 तक रहता है। इतना मोटा स्लैब नहीं बनता है इसके ऊपर, चाहे हाई राइजर बिल्डिंग हो, टावर हो, हाई राइजर भी बोलते हैं, टावर भी बोलते हैं, बिल्डिंग भी बोलते हैं, कई तरह का नाम है फ्रेंड। लेकिन हमारे वीडियो में बताने का मकसद है कि छोटा छोटा जानकारी देते हैं चैनल पर, बड़े काम की चीज़ है, लाइफ टाइम वीडियो है, ट्रू है, कोई फेक टेक नहीं है, जो भी है रियल है। इसलिए कि हम कंस्ट्रक्शन लाइन में ही काम करते हैं और इसका काम जानते हैं, स्टील बार कैसे होता है, कौन सा काम किस तरह होता है, इसके बारे में वीडियो बनाते रहते हैं और चैनल पर देते रहते हैं आप सभी भाइयों के लिए। चैनल पर आइए और वीडियो को देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कंस्ट्रक्शन लाइन से, सिविल लाइन से, बिल्डिंग लाइन से जो भी डिटेल की वीडियो बनाएंगे, जो भी जानकारी देंगे, आपको उसकी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहेगी। वीडियो शुरू से आखिर तक देखने के लिए थैंक्स।